Asane! Please help. वो पीछे उनको देना कॉर्नर में माइक। सर मुझे ये पूछना है कि लाइफ में हम जो भी करते हैं, लाइक स्टार्टिंग से मैंने जो भी आज तक किया है मैंने अपनी मर्जी से किया है, लाइक लोगों से कभी मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट कभी लाइफ में ऐसा लगता है, ऐसा टाइम भी आता है कि आप लोगों से इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बातें जानने के बाद भी, सारे मोटिवेशनल वीडियो इंस्पिरेशनल वीडियो सुनने के बाद भी, जैसे कि मेरे साथ अब हुआ है, लाइक आई टुक सर्जरी राइट नाउ, तो उसके बाद जैसे ही मैंने सर्जरी में एंट्री करी वहाँ पे लाइक मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है एंड आई एम द गर्ल जिसने सर्जरी चूज़ किया अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, बट अब मैं इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो गई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूंगी सर्जरी, बिकॉज वहाँ पे जितने भी मेल्स थे दे यूज टू से अरे तू सर्जरी ले रही है यार तू कहाँ आ गई, गो फॉर डर्मा, डर्मा के लिए जा, गायनी के लिए जा, सर्जरी क्यों लिया, एंड आई वॉज लाइक नहीं, मोटिवेशनल वीडियो देखी है इंस्पिरेशनल वीडियो देखी है नहीं इफेक्ट होना चाहिए, बट मैं इफेक्ट हुई और मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ रही हूँ। तो ऑलरेडी छोड़ दिया आपने या छोड़ने वाले हो? सर नहीं, अब रिजॉइन कर रही हूँ। अच्छा, स्टिल आई मेंटेन माय पेशेंस, आई वाज लाइक कि नहीं चाहे कुछ भी है कमिटमेंट किया है करना है, बट आई वांट सॉल्यूशन कि कभी लाइफ में ऐसा हो ही ना कि हमें चीज़ें छोड़नी पड़े, वहीं पर हम समझ जाए, वहीं पर हम संभल जाए, क्योंकि आई टुक 3 मंथ्स ये चीज़ समझने के लिए। ये जो आपने बात कही कि भाई सर्जरी में मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर थ्योरेटिकल होती तो हम इग्नोर कर सकते थे, आप समझ गए मेरी बात, कि अगर ऐसी हवा में कोई बात कोई बोल रहा है कि मतलब मान लो आप मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर तब भी फर्क पड़ रहा है तो बेवकूफ कौन है, वो है बोलने वाला या आप हो? आप हो बेवकूफ। बट ये बात थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है। यहां पर ये नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि रियलिटी यही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है, आपके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों ने ही या उनमें से किसी एक ने सिर्फ जॉब करी है। अब ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस मत करो, हमारे को किसी को ABCD भी नहीं पता है बिजनेस की, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं और आप अपने आप को कहोगे नहीं मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जा रहे हो छलांग मारने के लिए किसी स्विमिंग पूल में गहरे पानी में और कोई आपको आकर के कह रहा है कि बेटे मुझे भी तैरना नहीं आता है तुम्हें भी नहीं आता है थोड़ा संभल के, तो आपको यहां पर यह नहीं करना कि मेरे सेशन देख करके कहो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है, सब कह रहे हैं मत कूद, लेकिन मैं तो कूदूंगा, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं चार्ज्ड अप हूं, मैंने बहुत सेशन देखे इस बंदे के, और आप जाओ जाकर के सीधा गहरे पानी में छलांग लगा दो, क्या होगा? मेरा कोई सेशन काम आएगा? डूब जाओगे, मर जाओगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? कि एक है मैं बोलता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, प्रॉब्लम क्या है ज्यादातर लोग मेरी बातों को लिटरली ले लेते हैं कि एक बात पकड़ी और उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जहां पे वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या आपको नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं या फिर हवा में बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है, लेकिन अगर कोई इस लेवल की बात कर रहा है जो लॉजिकल है प्रैक्टिकल है और रियलिटी पे बेस्ड है तो आपको वहां पर रुकना है, आराम से समझना है कि वो जो बंदा बात कह रहा है, फिर वापस से रीस्ट्रक्चर करना है अपने माइंड को और प्लान करना है कि अब मैं उस काम को करूं या छोड़ूं। मेक सेंस? हाँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ध्यान से समझना। देखो अब अगर वो कह रहे हैं कि सर्जरी में तुम क्यों आ गई, क्योंकि उसके पीछे एक आप ये सब शेयर करना चाहते हैं कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है। तो अब क्या किया जाए वहां पर? एक ऑप्शन तो ये है कि जो अभी करंट रियलिटी है हम उसके हिसाब से चलें। करंट रियलिटी क्या है कि भाई फीमेल्स का डोमिनेंस कहां पर है, मान लो गायनेक में है, सर्जरी में कम है, तो इस करंट रियलिटी को समझ करके एक तो हो सकता है कि हम इसी के हिसाब से एक्ट करें कि अब वो ये क्या डिसीजन लें कि इसको छोड़ करके मैं अब गायनेक में जा रही हूं। बट वहां पर भी एक दिक्कत है, ध्यान से अगर आप समझोगे तो, करंट रियलिटी में क्या दिक्कत है, वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सब वही कर रहे हैं, आप उनसे अलग जैसे ही कुछ करोगे तो इनिशियली आपको चैलेंजेस आने ही आने हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो जहां से आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, इस रियलिटी को आपने देखा समझा और अपने आप को बोला कि अब तो मैं यही करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही,
अगर सिर्फ अपने लिए कर रही होती तब तो ठीक है, गायनेक भी ठीक है, वहां पर जाऊं और कॉम्पीट करती रहूं। लेकिन अगर मैं यहां पर सर्जरी में, जो कि आज की रेट में रियलिटी ये है कि करंटली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं और कुछ ऐसा कर दूं जो कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता आने वाले 10 साल बाद, तो क्या होगा आने वाले 10 साल बाद? क्या आपके जैसी और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? तो यहां से एक एनर्जी अलग लेवल की मिलती है। अब यहां पर आप डिनाई नहीं कर रहे रियलिटी को, यहां पर आप कह रहे हो कि ठीक है ये रियलिटी है, बट इस रियलिटी को बदला जा सकता है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। अब जब मैं इसको बदलने के बारे में सोचूंगी या इसको एक्चुअल में बदलूंगी तो क्या होगा वहां पर? प्रॉब्लम्स। क्या आराम से हो जाएगा सब कुछ? चैलेंजेस आएंगे। कितने चैलेंजेस आने वाले हैं? बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो मेंटली आपने अपने को क्या बोला? आई एम रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद में एंड में जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस लाख गुना ज्यादा मीनिंगफुल होगी उससे कि अगर मैं बिना किसी चैलेंजेस के जा करके थोड़ी बहुत कहीं पर सक्सेसफुल हो जाऊं। नाउ दिस सक्सेस इज नॉट जस्ट मीनिंगफुल फॉर मी बट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। तो आपकी एक लार्जर विजन आ गई यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे किसी बैकग्राउंड से हो, अभी जो मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि जहां पर आपके जो फादर मदर हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है और बिजनेस के नाम से ही डरते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है सेफ एंड सिक्योर ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ कि ठीक है मैं भी जॉब ही कर लेता हूँ, वो भी खुश मैं भी खुश, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा हो कि नहीं मुझे करना है। तो अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे ही मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जो बिजनेस बैकग्राउंड से है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बाद में जब मैं सक्सेस को अचीव करूंगा तो सिर्फ वो सक्सेस मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, मेरे जैसे और भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, व्हाटएवर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक, सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो दुनिया में लाखों लोग ये सोचते हैं और यहीं पर सोच करके रुक जाते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया है। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने अभी बात बोली कि भाई ये जो गायनेक है दैट इज अ फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, तो अगर उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर भी लिया तो क्या वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है किसी के लिए? बिकॉज दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। बल्कि अगर आपने वहां पे अचीव नहीं किया तब लोग बोलेंगे ये क्या है, हाँ जो सब करते हैं वो भी तू नहीं कर पाई। बट अगर आपने कुछ ऐसा किया जो और कोई नहीं कर रहा है, यानी आपका पर्पस क्लियर है, आपका ये वाई क्लियर है कि मैं ये कर क्यों रही हूं, तो जितना वो बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में? बोलने दो ना, यही तो मैं चाहती हूं कि लोग बोले कि तू नहीं कर सकती, तभी तो करने में मजा आएगा। सर ये जो मैंने 3 मंथ्स का ब्रेक लिया था इसमें मैंने रियलाइज किया कि मीनिंगफुल हो मेरा पर्पस, तो इसके लिए मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने सोचा कि सर्जरी में मेल्स ही दिखाने नहीं आते, फीमेल्स भी दिखाने आते हैं पेशेंट्स। और इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर 2nd मोस्ट कॉमन है, सो व्हाई आई शुड नॉट गो फॉर ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी इन फ्यूचर, जहाँ पे जो मेरे चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और फीमेल पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि फीमेल को ही दिखाएं आज भी इंडिया में, तो मैंने ये मीनिंगफुल पर्पस ढूंढा। इट इज़ अ वेरी सेंसिबल थिंग दैट यू हैव चूजन कि भाई ठीक है अगर ब्रेस्ट सर्जरी होनी है तो देर आर लॉट ऑफ फीमेल्स इन इंडिया, स्पेशली उनकी जो फैमिली होती है वो कंजर्वेटिव होती है, कि जब लेकर के जा रहे हैं उनको किसी हॉस्पिटल में तो वो चाहेंगे कि एक फीमेल डॉक्टर ही उनका चेकअप करे। जबकि एक्चुअल में इस प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो डॉक्टर मेल है या फीमेल है, क्योंकि उनका काम है सर्जरी करना, राइट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वो चाहेंगे कि एक फीमेल ही हो। तो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट रियलिटी में एक्चुअल मजा पता है किस चीज में आएगा कि जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि एक फीमेल हो सकती है वहां पर भी आप हो। मान लो कोई अगर एक मेल्स हैं वो फीमेल्स की सर्जरी कर सकते हैं तो आप मेल्स की क्यों नहीं कर सकते? Exactly. मेल्स के बॉडी पार्ट की क्यों नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? सोचो कोई ऐसी सर्जरी है फॉर एग्जांपल किसी मेल के बॉडी पार्ट्स की जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां पर एक मेल ही होगा और एक फीमेल डॉक्टर का नाम हो, वो पूछेगा भी नहीं रिसेप्शन पे, वो तो ये एक्सपेक्ट ही करेगा कि वहां पे कोई मेल डॉक्टर ही होगा, और वो जाए और जाकर के एकदम से नाम देखे
तब भी उसको यकीन ना हो, वो कहेगा हाँ हो सकता है, मतलब जैसे होता नहीं है कुछ ऐसे नाम होते हैं जो दोनों में मेल फीमेल में चलते हैं, लेकिन वो जैसे ही आपको देखे तो उसको शौक लगे। तो जितनी बार आपको उसको बंदों को ये शौक लगेगा उतनी बार आपको मजा आएगा। तो आपका जो ये जो आप करने वाले हो ना, जो थोड़ा सा अलग होगा, ये पूरी जिंदगी के लिए आपको मोटिवेटेड रखेगा। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो तो। बिकॉज क्या होता है, देखो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जो लोगों से हमको मिलते हैं। एक होता है जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आपने बोल दिया, तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। उसमें आपको अंदर से आप क्या कह सकते हो, एक सेंस ऑफ ना तो सेटिस्फैक्शन होता है, ना एक सेंस ऑफ प्राउड होता है, ना कुछ अंदर ट्रिगर होता है। बट जैसे ही आप सरप्राइज देते हो तो सामने वाले को भी झटका लगता है, उसको जितना जोर का झटका लगता है आपको भी उतना मजा आता है। ये चीज रोज मेरे साथ में होती है, डेली ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है मैं इनफैक्ट जो भी बोलता हूं उनको झटका लगता है, और इसी में मुझे मजा आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो वो सोच रहे होते हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जो मैं कर रहा होता हूं। जैसे कोई मेरे को मिलता है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में उसको पता है, तो वो क्या कहेगा कि आपका ये काम बहुत बढ़िया है मोटिवेशनल स्पीकिंग का। मैं कहता हूं मेरा ये काम नहीं है। काम नहीं है मतलब आप यही तो करते हो? मैंने कहा नहीं, वो मेरा पैशन है। तो ये जो आप कर रहे हो इसके पैसे कहां से आते हैं? ये मैं खुद फंड करता हूं। आप खुद पैसा लगा करके ये कर रहे हो तो उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब हर लाइन में एक झटका है। तो हर लेवल पे एक झटका लगता है, उसी में मजा आता है। लेकिन ये सब उनके लिए झटका है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे फंडे क्लियर है, मेरा अपना पर्पस क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो करके एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, 1000 साल बाद क्या होने वाला है, मैं वहां तक देख रहा हूं। तो मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है, आंसर्स बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आएगा, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, बहुत तरह तरह के, पता नहीं कहां कहां से, कि आप बोलो ना कितने पैसे लोगे। मैंने कहा तू भाई सब कुछ दे दे तब भी नहीं आऊंगा, समझे? तो मजा आता है खेल में, नहीं तो बंदा फिसल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आई एम श्योर कि जैसे आप लोगों से मैं पूछूंगा कि हाँ भाई ये करना चाहते हो, आप कहोगे कि नहीं मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, 20,000 रुपये महीने का मिलेगा? नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता। 50,000 रुपये महीने का मिलेगा? एक मिनट सोचना पड़ेगा। 1,00,000 रुपये महीने का मिलेगा? सर करो ना, बताओ ना क्या करना है। नहीं तो वहां पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग सा है, क्योंकि यही दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि सबका अपना एक रेट कार्ड है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, पैसे दो और कुछ भी बुलवा लो, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, कचरा भी बेचने के लिए बिक रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जानते हो ना ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को। हाँ, अब मजा किस चीज में आता है? कुछ ऐसा करो जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि अगर मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, वो सेलिब्रिटी है, वो मान लो 1 करोड़ में आ जाता है, 2 करोड़ में आ जाता है, तो भाई मेरे को 100 करोड़ देगा तब भी मैं नहीं आऊंगा। ना है तो ना है। मजा इसमें है कि आप कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा नहीं भी, तो थोड़ा सा दुनिया से कुछ अलग हो, या जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो वहां पे सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस एज के बाद में आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडिया में यही चलता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इसके बावजूद भी अगर आप कुछ कर जाओ तो कुछ मजा आएगा या नहीं आएगा? तो थोड़ा सा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। इंटरेस्टिंग कैसे बनी रहती है? जब आपने कुछ थोड़ा सा अलग किया है। और अलग क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना। अब मैं इसको समअप कर रहा हूँ, जो भी मैंने अभी तक कहा है उसको समअप कर रहा हूँ। अलग की डेफिनेशन क्या है? अलग की मतलब क्या है कि हाँ यहाँ पे उल्टे लटक जाओ और बोलो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं। ये है अलग की डेफिनेशन। व्हाट इज अलग? बेसिकली सोशल नॉर्म्स है। ये सोसाइटी कुछ नॉर्म्स बना देती है कि आपका बैकग्राउंड ये है तो आपको यही करना है। अलग की डेफिनेशन क्या है? जो इस नॉर्म से थोड़ा सा हट करके है, जो दुनिया आपके लिए कुछ नॉर्म्स बना रही है या कुछ बाउंड्रीज बना रही है, जैसे ही उस बाउंड्री से आप बाहर निकल जाते हो तो वो अलग की डेफिनेशन है।
विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।